हेलो डियर फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 210 तक कवर किया था और आज की सीरीज में हम लोग क्वेश्चन नंबर 211 से शुरू करने वाले हैं। जो नए साथी चैनल पे पहली बार जुड़े हैं दोस्तों, आपको बता दें हम लोग ये 1000 VBI ऑब्जेक्टिव का सीरीज कर रहे हैं, यानी कि कुछ चुनिंदा क्वेश्चन का सीरीज कर रहे हैं 1000 ऑब्जेक्टिव का, जिसका एक पार्ट 7 है। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 6 तक कवर किया था। दोस्तों अगर आप सच में 35 में से 35 अंक लाना चाहते हैं तो आपको सभी वीडियो को देखना ही पड़ेगा, ठीक है। बहुत बच्चे क्या नहीं देखते हैं, आप अगर 35 अंक लाना चाहते हैं, बहुत बच्चे को तो यकीन भी नहीं होता। अगर आप 35 अंक लाना चाहते हैं तो ये सभी वीडियो को देखिए, सभी वीडियो का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। जो क्वेश्चन आपको इंपोर्टेंट, मतलब कि इंपोर्टेंट तो सभी है, जो आपसे नहीं बने उसको आपको नोट कर लेना है और जो आपसे बन जाए उसका आंसर को आपको कमेंट करना है, इससे आपके कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ेगा। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 211 है। N14 तथा N15 में डीएनए की अर्धसंरक्षित प्रकृति की प्रयोगात्मक पुष्टि की गई, प्रयोगात्मक पुष्टि गई, मतलब पूछ रहा है कि N14 और N15 में डीएनए की अर्धसंरक्षित प्रकृति की जो प्रयोगात्मक पुष्टि है, प्रयोगात्मक जो पुष्टि है वो कब की गई, मतलब किसके द्वारा की गई थी, मिशेलसन एवं स्टील के द्वारा किसके द्वारा की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मिशेलसन एवं स्टील के द्वारा, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिशेलसन एवं स्टील के द्वारा N14 N15 में डीएनए की अर्धसंरक्षित प्रकृति की प्रयोगात्मक की गई थी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका हो जाएगा कितना 212 है। एक आनुवंशिक स्थल को उत्परिवर्तन के बाद निम्न में से किसके परिवर्तन के कारण एक जीव में परिवर्तन होता है, मतलब एक आनुवंशिक स्थल के उत्परिवर्तन के कारण, उत्परिवर्तन के बाद निम्न में से किसके परिवर्तन के कारण एक जीव में परिवर्तन होता है, प्रोटीन संरचना के कारण, यानी कि किसके बदलने के कारण जीवों में जो है परिवर्तन होता है, ठीक है, आनुवंशिक में परिवर्तन होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आरएनए अनुलेखन पैटर्न के कारण, किसके कारण, आरएनए अनुलेखन पैटर्न के कारण, यानी किसके परिवर्तन होने के कारण आनुवंशिक में परिवर्तन होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 213, आरएनए के पायरिडिमिन में पाया जाता है, आरएनए के पायरिडिमिन में क्या पाया जाता है, साइटोसिनिन एवं थायमिन, या फिर एडिनिन एवं गुआनिन, या फिर साइटोसिनिन एवं यूरासिल, या फिर थायमिन एवं यूरासिल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका साइटोसिन एवं यूरासिल, यानी कि ऑप्शन सी, ठीक है। तो आरएनए के पायरिडिमिन में क्या पाया जाता है, साइटोसिन एवं यूरासिल, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 214, प्रोटीन संश्लेषण के समय एक स्थान पर प्रक्रिया रुक जाती है, निम्नलिखित में उस समूह को बताइए जिसमें तीनों में से एक इसे रोकता है, यानी कि प्रोटीन संश्लेषण जब होता है तो उस समय ना ये प्रक्रिया रुक जाती है, तो बताइए निम्न में तीनों में से इसे कौन रोकता है, यानी कि इसे रोकता है तीनों में से, यानी कि तीनों रोकता है लेकिन कौन तीनों, यहाँ पर ये पूछा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यूएजी यूजीए यूयूए, यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है, यूएजी यूजीए यूए यूएए, निम्नलिखित में उस समूह को बताइए, तो यही एक समूह है जो कि इसे रोकता है प्रोटीन संश्लेषण के समय, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 215, हार्डविन वर्ग का नियम व्याख्या करता है, यानी कि हार्डविन वर्ग का जो नियम है वो क्या व्याख्या करता है, गुणसूत्री विपतन की, या फिर आनुवंशिक अवपटन की, या फिर आनुवंशिक साम्यावस्था की, या फिर इनमें सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो 215 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका आनुवंशिक साम्यावस्था की, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो हार्डविन वर्ग का नियम क्या व्याख्या करता है, आनुवंशिक साम्यावस्था की। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका इतना 216, नवडार्विनवाद के अनुसार कौन सा विकास के लिए उत्तरदायी है, नवडार्विनवाद के अनुसार कौन सा विकास के लिए उत्तरदायी है, उत्परिवर्तन, प्राकृतिक अपघटन, या फिर ये दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका प्राकृतिक अपघटन, यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है। तो नवडार्विनवाद के अनुसार कौन सा विकास के लिए उत्तरदायी है, प्राकृतिक अपघटन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 217, एड्स में कौन सी कोशिकाएं सर्वाधिक प्रभावित होती है, यानी कि कौन सी कोशिका है जो कि एड्स की बीमारी की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित होती है, बीसीएल्स, टीसीएल्स, मोनोसाइट्स, या फिर न्यूट्रोफिल्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका टीसीएल्स, यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है। तो एड्स में टीसीएल्स जो है वो सर्वाधिक प्रभावित होती है, टीसीएल्स कोशिकाएं सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 218, निष्क्रिय प्रतिरक्षा को प्राप्त किया जा सकता है निवेशित करके, क्या निवेशित करके, एंटीबॉडी, एंटीजन, प्रतिजैविक, या फिर टीकाकरण। तो निष्क्रिय प्रतिरक्षा को प्राप्त किया जा सकता है निवेशित करके, क्या निवेशित करके। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एंटीबॉडी, यानी कि ऑप्शन ए, क्या हो जाएगा, एंटीबॉडी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 219, ड्रग जो तंत्रिका तंत्र को उद्दीपित करता है और व्यक्ति को सजग एवं अधिक सक्रिय बनाता है, शामक, ओपिएटक, या फिर नार्कोटिक, या फिर स्टिमुलेंट, या फिर हेलुसिनोजन, ठीक है। तो देखिए 219 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका स्टिमुलेंट, क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी, स्टिमुलेंट। तो ड्रग जो कि तंत्रिका तंत्र को उद्दीपित करता है और व्यक्ति को सजग एवं अधिक सक्रिय बनाता है वो है आपका स्टिमुलेंट, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 220, एस्केरिस सामान्यता अधिक पाया जाता है पुरुष में, स्त्री में, बच्चों में। तो एस्केरिस जो है वो सबसे ज्यादा सामान्यता किसमें अधिक पाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बच्चों में, यानी कि ऑप्शन सी, ठीक है। तो एस्केरिस जो है वो सबसे ज्यादा बच्चों में पाया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 221, शिस्टोसोमा का मध्यस्थ पोषक है घोंगा, मच्छर,
मक्खी भेर, तो शिष्टोसोमा का मध्यस्थ पोषक जो है वो कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका भेर, यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, भेर। तो शिष्टोसोमा का मध्यस्थ पोषक है भेर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 222, आबादी का प्रसरण निर्भर करता है आगमन पर, बहिर्गमन पर, स्थानांतरण पर, ये सभी। तो आबादी का प्रसरण निर्भर करता है किस पर? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ये सभी, यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ये सभी। तो आबादी का प्रसरण निर्भर करता है ये तीनों पर, आगमन पर भी, बहिर्गमन पर, बहिर्गमन पर भी और स्थानांतरण पर भी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 223, किसे जीव का विकासी इतिहास कहलाता है, क्या कहलाता है, ऑन्टोजेनी या फिर फाइलोजे या फिर पूर्वजता या फिर जीवाश्मी को। तो दोस्तों किसी जीव का विकासी इतिहास जो है वो क्या कहलाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फाइलोजे, क्या हो जाएगा, फाइलोजे, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 224, सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार नहीं बोलूंगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे क्वेश्चन बैंक को देखते होंगे उसको मालूम होगा कितना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपके लिए। देखिए इनमें से कौन सी बीमारी प्रतिऊर्जक द्वारा उत्पन्न होता है, त्वचा कैंसर, हेज ज्वर या फिर इंटेरिक ज्वर या फिर गलगंड, एक गलगंड, ठीक है, तो इनमें से कौन सी बीमारी है जो कि प्रतिऊर्जक द्वारा उत्पन्न होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हेज ज्वर, यानी कि ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा आपका, हेज ज्वर। देखिए अपने इस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 225, एलिफेटेरिस का कारक है एस्केरिस, टीनिया, तो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, तो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एलिफेटेरिस का कारक है, तो बताएंगे एलिफेटेरिस का कारक क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वुजेरेरिया, क्या हो जाएगा, वुजेरेरिया, यानी कि ऑप्शन सी, ठीक है, यही जो है एलिफेटेरिस का कारक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 226, निम्न में से कौन जीवाणु में से होने वाली बीमारी नहीं है, बताएंगे कौन सा बीमारी है जो कि जीवाणु से नहीं होती है, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, ध्यान देंगे, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका इन्फ्लुएंजा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इन्फ्लुएंजा, ये जो है जीवाणु के कारण नहीं होती, यानी कि जीवाणु से ये बीमारी नहीं होती इन्फ्लुएंजा, बाकी टाइफाइड, क्रिस्ट, डिप्थेरिया, ये सभी होती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 227, ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उसे कहते हैं, ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उसे कहते हैं, एलर्जन कहते हैं, टीका कहते हैं, एंटीबॉडी कहते हैं या फिर एंटीजन कहते हैं, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एंटीबॉडी, यानी कि ऑप्शन सी, तो ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उसे हम लोग एंटीबॉडी कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 228, एलर्जी में बनने वाले प्रतिरक्षा है IgA प्रकार के या फिर IgE प्रकार के, तो एलर्जी में बनने वाले प्रतिरक्षा जो है प्रतिरक्षा वो क्या है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका IgE प्रकार के, ठीक है, और इसको ना ई जो है वो कैपिटल ही लिखना है कभी अगर सब्जेक्ट में पूछ दे तो एलर्जी में बनाने वाले प्रतिरक्षा जो है वो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 229, उत्तक संवर्धन द्वारा विष्णु मुक्त पौधे प्राप्त करने की सबसे अच्छी विधि क्या है, उत्तक संवर्धन के द्वारा विषाणु मुक्त पौधे प्राप्त करने की सबसे अच्छा विधि कौन सा है, ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका भ्रूण रेस्क्यू, क्या हो जाएगा, भ्रूण रेस्क्यू, यानी कि ऑप्शन बी, तो उत्तक संवर्धन द्वारा विषाणु मुक्त पौधे प्राप्त करने की सबसे अच्छा विधि जो है वो भ्रूण रेस्क्यू है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 230, भूमि की उर्वरा शक्ति को परिपोषित करने वाला जीव समूह है माइक्रोब्स या फिर जैविक खाद या फिर जैविक कीटाणुनाशक या फिर यीस्ट, तो भूमि की उर्वरा शक्ति को प्रभावित करने वाला जीव समूह है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका जैविक खाद, यानी कि ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा, जैविक खाद। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका 231, मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक है कीटनाशक, जैविक खाद, यीस्ट या फिर इनमें से सभी, तो मिट्टी को जो उपजाऊ बनाने में सहायक है वो कौन है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका जैविक खाद, यानी कि ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा, जैविक खाद, ठीक है, बहुत बच्चे यहाँ पर डायरेक्ट डी लगा देते हैं लेकिन आपको क्वेश्चन पढ़ के आंसर को लगाना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 232, भारतीय भैंस का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है, भारत का जो भैंस है उसका मतलब कि भारत का भैंस जो है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ब्यूबैलस, क्या हो जाएगा, ब्यूबैलस, जैसे इंग्लिश में बफेलो होता है उसी तरह यहाँ पर ब्यूबैलस, ठीक है, तो भारतीय भैंस का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है, ब्यूबैलस, 232 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 233, विश्व की सबसे अच्छी दुधारू नस्ल है, यानी कि सबसे अच्छी दूध देने वाला जो नस्ल है वो कौन सा है, चित्तागोंग या फिर देवरी या फिर आपका होलस्टाइन फ्रीसियन, ठीक है, फ्रीसियन, तो दोस्तों 233 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका होलस्टाइन फ्रीसियन, ऑप्शन सी, ठीक है, तो विश्व की सबसे अच्छी दुधारू जो नस्ल है वो है आपका होलस्टाइन फ्रीसियन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका 234, यीस्ट किसका प्रमुख स्रोत है, ये यीस्ट जो है वो किसका प्रमुख स्रोत है, विटामिन सी का या फिर राइबोफ्लेविन का, शर्करा का, प्रोटीन का, तो यीस्ट जो है वो किसका प्रमुख स्रोत है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 234 का वो हो जाएगा आपका राइबोफ्लेविन, ठीक है, राइबोफ्लेविन, यानी कि ऑप्शन बी, तो यीस्ट किसका प्रमुख स्रोत है, राइबोफ्लेविन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 235, अल्कोहल से किसके
अल्कोहल से सिरके का निर्माण किसके द्वारा होता है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी, बैसिलस सबटिलस के द्वारा या फिर क्लॉस्ट्रिडियम के द्वारा, किसके द्वारा अल्कोहल जो सिरके का निर्माण है वो किसके द्वारा होता है? ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी एसिटोबैक्टर। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी एसिटोबैक्टर एसिटी। तो अल्कोहल से सिरके का निर्माण किसके द्वारा होता है? एसिटोबैक्टर एसिटी के द्वारा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 236, कौन सा सर्वश्रेष्ठ उर्वरक है? बताएंगे कौन सा सर्वश्रेष्ठ उर्वरक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जाएगा आपका एजोला तथा साइनोबैक्टीरिया, यानी कि ऑप्शन सी, ये जो है सर्वश्रेष्ठ उर्वरक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 237, शराब उद्योग में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है? यीस्ट का, लैक्टोबैसिलस का या फिर अमीबा का या फिर टीएमवी का? ठीक है, तो शराब उद्योग में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यीस्ट का, यानी कि ऑप्शन है। ठीक है, तो शराब उद्योग में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है? यीस्ट का उपयोग होता है शराब उद्योग में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 238, दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का उपयोग होता है? बताइए, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का उपयोग होता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लैक्टोबैसिलस। क्या हो जाएगा? लैक्टोबैसिलस। तो दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का उपयोग होता है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु का उपयोग होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 239, पोषक डीएनए से संबंध विषाणु जीनोम कहलाता है? क्या कहलाता है? पोषक डीएनए से संबंध विषाणु जीनोम कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रोफेज कहलाता है, प्रोफाज कहलाता है या फिर बैक्टीरियोफेज कहलाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रोफाज, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, तो पोषक डीएनए से संबंध विषाणु जीनोम कहलाता है प्रोफेज। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 240, आणविक जीन अभियांत्रिकी में किसका उपयोग किया जाता है? टमाटर का, तंबाकू का, गाजर का या फिर एरेबडोप्सिस का? ठीक है, एरेबडोप्सिस। ठीक है, तो आणविक जीन अभियंत्री में किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तंबाकू का, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, तो आणविक जीन अभियंत्री में तंबाकू का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 241, परजीवी पौधे विकसित किए जाते हैं विदेशी जीन के प्रवेशन से या फिर क्लोन एवं आनुवंशिकता रूपांतरित जीन के द्वारा या फिर आनुवंशिक अभियंत्रिकी के द्वारा या फिर परिशुद्ध जीन्स के द्वारा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 241 का वो हो जाएगा आपका विदेशी जीन के प्रवेशन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन है। ठीक है, तो परजीवी पौधे विकसित किए जाते हैं विदेशी जीन के प्रवेशन से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 242, निम्न में से कौन से सूक्ष्मजीवी जेनेटिक इंजीनियरिंग में काफी उपयोगी है? कौन सा जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग में काफी उपयोगी है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एस्चेरिचिया कोलाई एवं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। ठीक है, तो ये जो है सूक्ष्मजीवी जेनेटिक इंजीनियरिंग में काफी उपयोगी होता है। अब देखिए इस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 243, प्रतिबंध एंजाइम की खोज की, तो प्रतिबंध एंजाइम की जो खोज है वो किसने की थी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्मिथ एवं नॉथन्स ने प्रतिबंध एंजाइम की खोज की थी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 244, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा निर्मित औषधि जिसका प्रयोग कैंसर निदान में किया जाता है वो कहलाता है? जैव प्रौद्योगिकी द्वारा निर्मित औषधि जिसका प्रयोग जो है कैंसर निदान में किया जाता है वो क्या कहलाता है, उसका नाम क्या है? तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंटरफेरोन, यानी कि ऑप्शन है। ठीक है, तो जैव प्रौद्योगिकी द्वारा जो निर्मित औषधि है उसका नाम क्या है? इंटरफेरोन, ये कैंसर निदान में किया जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 245, प्रतिजैविक फ्लेवरिन क्या है? प्रतिजैविक फ्लेविसिन किससे प्राप्त होती है? प्रतिजैविक फ्लेविसिन किससे प्राप्त होती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एस्परजिलस फ्लेवस, यानी कि ऑप्शन बी, एस्परजिलस फ्लेवस। ठीक है, तो प्रतिजैविक फ्लेविसिन जो है वो एस्परजिलस फ्लेवस से प्राप्त होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग 245 नंबर क्वेश्चन तक कवर किए थे, नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम लोग 246 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। जो नए साथी पहली बार चैनल पर जुड़े हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आज एक ही बार बोले हैं, अभी तक नहीं किए सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसी तरह का आपको कंप्लीट तैयारी कराई जाती है 12 की, ठीक है, 12 साइंस की, एक बार अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा जो भी आपके दोस्त साथी हैं जिसको इस चैनल के बारे में नहीं पता। चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आप लोग पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। और सभी पार्ट को जरूरी देखना, सभी पार्ट को, तभी आपको 35 में से 35 अंक आएगा दोस्तों 100%।